So, यहां पर हम क्या बात करेंगे कि हमारा जो सल्यूट है वो दिया है सॉलिड हमारे पास सल्यूट जो दिया है गिवन सॉलिड सॉलिड के केस में क्या हो जाता है सबसे पहले सॉलिड के केस में हो जाता ये है कि इन द केस ऑफ सॉलिड द एटम्स आर अरेंज्ड वेरी क्लोजली टू ईच अदर है मिनिमल स्पेस मिनिमल स्पेस बिट्वीन दी कैन से बिट्वीन ईच अदर तो यहां पर क्या हो जाता है कि सॉलिड में जो होता है जो आइटम्स का अरेन्जमेंट होता है सॉलिड सरफेस में सपोज दिस इज़ द सॉलिड सरफेस तो इसमें एटम्स जो होते हैं वो काफी ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं तभी जाके हमें सॉलिड मिलता है तो ये जो सर्कल है वो सारे एटम्स है तो यहां पर हम देख सकते हैं कि इनके बीच में जो स्पेसेस है वो काफी मिनिमल है यानी प्रेशर अप्लाई करने पर भी ये क्या हो जाएगा इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं तो हम क्या कह सकते हैं सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसेबल In compressible and since they are incompressible, then we can easily say that they will practically hence practically remains unaffected unaffected by चेंज इन प्रेशर केस अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कायनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी एटम्स की और टेम्परेचर बढ़ाने से कायनेटिक एनर्जी ज्यादा होने के कारण ये ज्यादा फ्रीली मूव करेगा और इसमें चेंज आ जाएगा इसके फिजिकल स्टेट में तो इसी के कारण हम क्या बोलेंगे यहाँ पर पूछा क्या था डॉट डिपेंड अपॉन it does not depend upon is pressure will be the right answer so our correct answer will be option three that is pressure so this will be the right answer and rest everything becomes incorrect hope you have understood it well best of luck